कुछ देर से मैं एक नए मुद्दे के साथ आज आप सबका स्वागत है। दुनिया में ऑलमोस्ट हर कपल को चाहत होती है कि वो माँ बाप बने, एक ऐसे बच्चे के माँ बाप जो उनका अपना खून हो, जिसे उन्होंने जन्म दिया हो। अब आजकल की भागम दौड़ में करियर ओरिएंटेड औरतें शायद प्रेगनेंसी से एक यंग एज में महरूम रह जाती हैं। कुछ लोग अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहते हैं ओल्ड एज में, और ऐसे समय में इस्तेमाल किया जाता है आर्टिफिशियल मेथड्स का प्रेगनेंसी को लाने के लिए। लेकिन क्या ओल्ड एज में पेरेंट्स बनना रिस्की है? इसका बच्चे के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आइए कुछ ऐसे ही सवाल उठाएं आज कुछ दिल से। सबसे पहले आप सबसे मिलवाना चाहूंगी मदन जी और संतोष को। आप दोनों का स्वागत है हमारे शो में। आज इस विषय को हमारे साथ आगे बढ़ाएंगे डॉक्टर जितेंद्र नागपाल, जो एक साइकाइट्रिस्ट है विमहंस से, और डॉक्टर अनूप गुप्ता, जो एक IVF स्पेशलिस्ट है। आप दोनों का स्वागत है हमारे शो में। पूरी बातचीत अभी तक माँ बाप तक केंद्रित रखी, उस बच्चे का क्या जो जन्म लेता है मेडिकली क्या उसको हार्म हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे जैसे देखिए फीमेल एज बढ़ती है जी, तो जो एग क्वालिटी है वो डिटेरियरेट करती है फ्रॉम रिप्रोडक्टिव एंगल, और जितनी फीमेल एज ज़्यादा होती है उतने ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं बच्चे में एनोमलीज आने के जी। और तो क्या ये डेंजर आप बताते हैं पेशेंट्स को? बिल्कुल अवेयर करते हैं। फिर भी इस डेंजर को लेकर पेशेंट्स चलना चाहते हैं? सी देखिए उनके पास चॉइस नहीं रहती है। ठीक है डॉक्टर साहब, मेंटल रिटार्डेशन इज अनदर फैसेट व्हिच पेरेंट्स माइट हैव टू फेस। यस डेफिनेटली, चांसेस ऑफ डाउन सिंड्रोम कहते हैं, इज वेरी कॉमन अबव 38 इयर्स ऑफ एज। ओके, आपका सवाल गेटिंग अपसेट अबाउट इज द फैक्ट दैट इट्स डन टू हैव अ मेल चाइल्ड। नो, आई विल पुट इट दिस वे, if they are the patients and they are blessed with this procedure, they will not come to the studio, let me tell you. What kind of patients this couple has, and they are facing the public, they are facing the camera, so they are, and they want to open up. See, kuch log hain jinko ye chahat hai lekin itni himmat nahi hai kya ke bataye. 100% logon ko himmat nahi hai camera face karne ki. And this couple, I don't know, they are just sent from God to, you know, face the camera. The statistics is if we have 100 babies delivered, those who come to show us the baby, there it is possible because of us only 2%. No, but 98% they don't come forward to show us the baby. Yeah. And you know what they do? They will give us false names in the records. They will not disclose even to their mother-in-laws, to their, you know, immediate family members, like they are doing. Older couples also? Younger couples also. लेकिन ओल्डर कपल हैं, आपने इतने साल मोहल्ले में गुजारे हैं बगैर बच्चे के, सडनली आपके पास बच्चा आ गया तो नो, बट दे विल से कि भगवान की देन है, दिस इज द बेसिक फैक्ट ऑफ लाइफ। आई थिंक वी मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी बेटी ने हमेशा एक भाई चाहा, जैसे आपने बोला कि आपने सिर्फ लड़के के लिए ही किया है, बिकॉज अगर लड़की होती तो यू हैव अगेन गॉन फॉर अ बॉय, अब हमें दूसरे लड़के के लिए भी जाते आगे। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि आगे चल के आपका बेटा आपके वंश को बहुत अच्छे से चलाएगा, क्या पता वो एक स्पॉइल्ड चाइल्ड भी तो हो सकता है, वो गलत तरीके से भी तो चला सकता है। माँ बाप तो ये साथ रखते हैं मेरा बेटा अच्छा काम करे, भविष्य में मेरा नाम उज्जवल करे, ये कौन कहता है मेरा बेटा आगे चल के चोर बनेगा डाकू बनेगा? हर एक माँ बाप उम्मीद रखते अपने बेटे से प्राइम मिनिस्टर बनने की। नहीं लेकिन डॉक्टर साहब ये उम्मीदें अपनी बेटियों से नहीं रखते। देखिए ये सोचना गलत है, और जो भी कपल हमारे पास आता है उनको तो इनकी सोच गलत है। नहीं इनकी सोच बिल्कुल सही है, संतोष जी रुक जाइए एक सेकेंड। एज अ कपल इन्होंने अपनी सोच दर्शाई है पहले सेगमेंट में डॉक्टर गुप्ता कि दे वांटेड टू हैव अ मेल चाइल्ड। एज अ डॉक्टर आर यू सिटिंग हियर टुडे एंड सेइंग इनकी सोच सही है? गलत है बिल्कुल। हाँ तो फिर वो कही आपने भी कहा इनकी सोच सही है। इनकी सोच सही कहाँ तक है कि इनको बच्चा चाहिए था, बच्चा चाहिए। आज इनको बेटा हुआ है तो इसलिए इनके दिमाग में बेटा सेट हो गया, बेटा सेट हो गया है। इनको बच्चे की ही चाहत थी, बच्चे की चाहत। आप अच्छा आप एक चीज बताइए, अगर आपको ये बेटे की जगह बेटी होती तो आप क्या करते? मैं जितने खुशी से अपने बेटे को पालती उसी खुशी से अपने बेटे को पालती। लेकिन एक और बेटे के लिए ट्राई करती, बेटा ही मान लेती, लेकिन एक और बेटे के लिए ट्राई करती। वे तो मैडम बाद की बात है, पर इतनी हिम्मत से लगन से मैं अपनी बेटी को भी वो तो आप पालती, हमें भी विश्वास है, हमने आपकी बेटी को देखा है अच्छी भली है, लेकिन दोबारा बेटे के लिए ट्राई करती? वो तो मैं आपने पहले सेगमेंट में कहा कि आप करती। वैसे तो मेरी चाहत तो यही थी, दो बेटी हो जाती तीसरा बेटा हो जाता क्या बात होती,
डॉक्टर गुप्ता देखिए क्या है, एक सवाल ले लें यहाँ से, बोले। मैं ये कहना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि मैंने 3 बार ट्रीटमेंट करवाया है और 50,000 खर्च किया है, लेकिन जिनके पास इतना पैसा नहीं होता वो कैसे करें? वो लेडीज प्रॉब्लम मेरे साथ है, मेरा एक बेटा है, उसके बाद मेरे साथ मेरे को दूसरा बच्चा कंपल्सरी था। डॉक्टर ने कहा जब तक आप दूसरा बच्चा नहीं करेंगे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है। आज भी वो प्रॉब्लम है, लेकिन जब 7-8 साल मैंने ट्रीटमेंट करवाया, इतना मैं पैसा नहीं खर्च कर सकती थी, तो मैंने हथियार डाल दिए। मैंने कहा मुझे बच्चा नहीं चाहिए जिससे मेरी जान जाए, मैं एक ही बच्चे को अच्छे से पालूंगी, वही बेहतर है। आपने से पहले आपसे एक ही फेवर चाहूंगी, आप यहाँ पे आपकी फ्रेटर्निटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत से मिथ्स यहाँ पे इनफैक्ट प्रोपोगेट हो गए हैं गलती से, मे बी बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज और द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ टुडे। सर आई रियली वुड रियली बी हाईली ऑब्लाइज्ड इफ यू कैन जेन्युइनली टेल अस, सी ये व्हाट कैन ऑफ अ पेशेंट, संक्षिप्त में कहिए आप वर्जन, व्हाट कैन ऑफ अ पेशेंट शुड अप्रोच यू, नॉट फॉर अ मेल चाइल्ड प्लीज। सी वन थिंग इज आउट, द फिक्स्ड कंसेप्शन इन माइंड इज मेल चाइल्ड इज आउट, नोबडी कैन गारंटी यू अ मेल चाइल्ड, the chances of conception are equal for a male and a female child. Why should a patient come to IVF? No. Just anybody at an old age. जिसको बच्चा नहीं है और उसको बच्चे की चाहत है, उसकी उम्र कम है या ज्यादा है वो डिफरेंट एस्पेक्ट है जी। कम उम्र है अच्छा है, उनके चांसेस ऑफ सक्सेस बहुत अच्छे हैं, उनको जरूर करना चाहिए। जिनकी उम्र थोड़ी बढ़ गई है जैसे 35 साल तक, उनको भी ट्राई करना चाहिए। जिनकी उम्र 35 से 40 साल तक है और वो अच्छी हेल्थ रखते हैं और उनका मासिक धर्म रेगुलर है, वो भी कोशिश कर सकते हैं। प्रेगनेंसी आने के बाद थोड़ी एहतियात बरतनी है, उनको मेडिकल टेस्ट करने हैं जो हम एडवाइस करते हैं, तो स्क्रीन की इनके बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन अच्छा ये रहेगा कि जितना वो जल्दी एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास आ जाएं टू हैव ए बेबी, उतना ही उनका सक्सेस रेट ज़्यादा है। Chances of a normal baby. So today you propagate that as soon as possible, however young you are, you should try and conceive. I feel if you feel you are settled in life, and economically, like economically, अगर आप अपनी देखभाल कर सकते हैं तो आपको conceive करना।